हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशास लाइफस्टाइल। आज हम शेयर करेंगे स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स, और ये नूडल्स बहुत ही इजी तरीके से मैंने शेयर किया है और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, मतलब स्ट्रीट के स्टाइल से मैंने शेयर किया है। तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम रेसिपी यहाँ पर आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिंग्स का नूडल्स, हक्का नूडल्स। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन रखेंगे पानी डाल के, और पानी को गर्म होने देंगे। और पानी में हम डाल देंगे टेस्ट के लिए नमक और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल से क्या होता है, जो नूडल्स या पास्ता मैक्रोनी होता है उसमें ऑयल डालना होता है पानी में, बिकॉज़ ये अच्छे से दूर दूर होके बॉईल होते हैं, चिपकते नहीं हैं एक दूसरे में। तो ये देखिए, ये मैंने ओपन कर दिया नूडल्स, इस तरीके से नूडल्स है, देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे दो पीसेस लिया है, और अब पानी बॉईल हो चुका है तो अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। अब ये नूडल्स मीडियम फ्लेम में जब तक बॉईल होंगे तब तक हम चॉपिंग की तैयारी कर लेते हैं। जो भी हमें इसमें वेजिटेबल्स डालने हैं हम वो चॉप कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिया है तीन चीज़ें, एक पत्ता गोभी, एक पूरी पत्ता गोभी नहीं लगेगी, और शिमला मिर्च, और दो प्याज। पत्ता गोभी हमें इसका 1/4 पार्ट लेना है, पूरा नहीं लेना है। और तो अब हम सबसे पहले पत्ता गोभी को चॉप करेंगे, और एकदम फाइन चॉप, मतलब पतला पतला लंबा लंबा, जो कि नूडल्स में बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे ही हम चॉप कर लेंगे फटाफट से। तो ये देखिए, ये एकदम बारीक पत्ता गोभी कट गई है। और अब हम यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज को भी चॉप कर लेंगे इसी तरीके से, बारीक बारीक लंबा लंबा पतला साइज़ में। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे लेंगे लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो लहसुन अदरक हम लेंगे। मैंने यहाँ पे 6-7 पीस लहसुन लिया और अदरक लिया है थोड़ा सा, और इसको भी मैंने चॉप कर लिया है बारीक में। तो ये हमारी 5 आइटम्स हो गए हैं ड्राई डालने के लिए। और यहाँ पे हमारी ये नूडल्स हो चुकी है बॉयल, आप देख सकते हैं इसको हो गया है 10 to 15 मिनट्स बॉईल होते, और ये अंदर से अच्छे से पक चुकी है, मैंने चेक कर लिया है। आप भी उंगली से दबा के चेक कर लीजिएगा जब भी नूडल्स बॉईल करें। तो ये देखिए, ये बॉईल होगी, तो अब हम इसको छान लेंगे छन्नी से, इसका पानी अलग कर देंगे और नूडल्स अलग कर देंगे। और नूडल्स को 2 बार साफ पानी से भी धोना है, इस तरीके से साफ़ पानी भर के आप चेक जब निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे सारे नूडल्स दूर दूर अलग अलग होंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बनाने का। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल। अब हम सबसे पहले डालेंगे अदरक और लहसुन, उसके बाद हम प्याज डालेंगे, और थोड़ा सा भूनने के बाद हम शिमला मिर्च डाल देंगे, और इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे अपना वो पत्ता गोभी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है नूडल्स में, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, और खाने में बहुत क्रंचीनेस आता है इससे, पत्ता गोभी से। तो अब हम पत्ता गोभी डालेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, एकदम सॉफ्ट नहीं करेंगे, इतना रखेंगे कि ये क्रंचीनेस आए इसका नूडल्स में। तो इस जब तक ये पक रही है तब तक हम एक ट्रिक करते हैं जो कि स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स में करते हैं हलवाई लोग। तो यहाँ पे हमने ले लिया चिंग्स का दोनों सॉस। तो ये चिंग्स का सोया सॉस है, मैंने यहाँ पे सोया सॉस 2 चम्मच ले लिया एक बाउल में। और इसके बाद हम लेंगे चिंग्स की ही रेड चटनी। तो यहाँ पे मैं चिंग्स की रेड चटनी 1 चम्मच लूँगी। और ये डालने के बाद अब मैं यहाँ पे लूँगी 1 चम्मच विनेगर, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप 1 चम्मच। और अब हम इन चारों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से इस तरीके से, और बस तब तक हम देखते हैं हमारा ये प्याज वाला हुआ या नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा अच्छे से भून चुका है,
तो बस हमें इतना ही भुनना था। तो अब हम इसमें डाल देंगे वो हमारा सोया सॉस वाला जो लिक्विड है जो हमने अभी बनाया था, चिली सॉस और ये सब डाल के। तो ये हम अब इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो बस हमें उसके बाद इसमें डाल देना है नूडल्स, क्योंकि ये ऑलमोस्ट भून चुका है अच्छे से। तो अब हम नूडल्स डाल देंगे और नूडल्स भी अच्छे से पानी निकल चुका है नूडल्स का। आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर है सारी नूडल्स। तो बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स काफ़ी अच्छे से करें स्लोली स्लोली, ताकि नूडल्स हमारा टूटे नहीं और एक दूसरे में चिपके नहीं। तो आराम आराम से आप इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। तो ऐसे करके मैंने सारे नूडल्स अच्छे से मिक्स कर लिए, ये देखिए। और ये कितना अच्छा एकदम मार्केट जैसा लग रहा है ना। तो ये मेरा नूडल्स ऑलमोस्ट डन हो गया है और बहुत ही यमी बना एकदम स्ट्रीट स्टाइल। तो आप लोग को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।